शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्या लगता है आप लोगों कि आप लोगों की कुणाल और गीतांजलि की शादी को मंजूरी ना देना आपको आपके समाज में महान बना देगा? पुतले लगाए जाएंगे आपके चौक में या राष्ट्रपति अवार्ड मिलेगा? देखिए हमारे समाज में चुप और एक शब्द बोला ना तो तुम्हारे समाज के सामने तुम्हें खड़ा कर तुम्हारे जुए और सारे लतों के बारे में बता दूंगा, फिर देखता हूं कितनी तालियां बजती है। समाज के किन किन लोगों के साथ मिलकर यह हत्याकांड किया है? नहीं नहीं साहब, इतना कट्टर कोई नहीं है हमारे समाज में जो इतना बड़ा कदम उठाए। आप दोनों के परिवार में से ऐसा कोई है जिसे अपने रंजिश या फायदे के लिए उन दोनों का कत्ल किया हो? नहीं नहीं, ये बात हमने किसी को बताई नहीं। अब इसीलिए मैं अकेले होटल गया था ये सोचकर कि उसे समझा बुझा कर वापस ले आऊंगा, लेकिन वो मिला ही नहीं। और मैंने भी ये बात बदनामी के चक्कर में किसी को नहीं बताई थी। वो तो उन दोनों की मौत की खबर आग की तरह फैल गई, तब जाकर लोगों को उनके बारे में पता चला। सर सर, सीसीटीवी में जो टेम्पो दिखाई दिया है उसके ब्लर नंबर की पहचान के लिए उसे आरटीओ भेज दिया गया है। और सर, गीतांजलि के भाई का भी रबर बेड का कारखाना है, उसके पास भी सेम वैसा ही टेम्पो है जैसा मैं सीसीटीवी में दिखाई दिया सर। ग्रेट, और कोई खबर? नहीं सर, ज्वेलरी शॉप पर पता करवाया मगर अब तक ऐसा कोई आया नहीं वहाँ। फिलहाल उस टेम्पो का पता करो और हाँ, हरिप्रकाश और मदन पर नजर रखो, कहीं शहर छोड़ के भाग ना जाए। यस सर। कम ऑन। आप सबको ये बताना चाहता हूं कि हमने रूम नंबर 304 की इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली एंड यू कैन ओपन द रूम फॉर बिजनेस। मगर उसके पहले आपको एफआईआर के साथ अटैच होने वाली स्टेटमेंट कॉपी के लिए कम से कम 5 पेजेस का अपना बयान लिखना पड़ेगा। जी ठीक है, हम वो लिख देते हैं जो हमने देखा है। आप बस ये रूम जल्द से जल्द फ्री करवा दें वरना होटल का बहुत नुकसान हो जाएगा। सर हो गया। सर हो गया। थैंक यू सर, आपने सही कहा था, वो डंपिंग टाइम भी उसी का है। अगर ये पहले मिल जाता तो इतना भागना नहीं पड़ता। बहुत बड़ा खेल खेला उसने गीतांजलि और कुणाल के साथ और हमें भी बहुत भगाया है, लेकिन अब नहीं, अब उनकी बारी है। हेलो। हाँ जयसवाल साहब, पक्की खबर है, सारे सबूत है हमारे पास, कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है इंस्पेक्टर साहब। आप जो कार्रवाई करना चाहें कर सकते हैं और जिन्होंने भी गुनाह किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। मेरा पूरा सहयोग आपके साथ है। थैंक यू। किया क्या है सर, ये तो बताइए हमें पहले, क्यों मार रहे हैं आप हमें? जिस वक्त तुम लोग अपनी स्टेटमेंट लिख रहे थे उस वक्त मेरे लोग तुम्हारी होटल की तलाशी कर रहे थे। सबसे पहली बार गीतांजलि और कुणाल रूम नंबर 304 नहीं बल्कि रूम नंबर 205 में रुके हुए थे। बस उनका सामान रूम नंबर 304 में तुम लोग ने रख दिया ताकि हरिप्रसाद मदर और हम सब धोखा कर सके। ये और ये मिला हमें रूम नंबर 205 से।
क्या मेरे साहब, आपका स्टाफ सिर्फ हाथ की सफाई जानता है, कमरे की नहीं? देखिए, कमरे से कुछ टूटी चूड़ियां मिलने से आप हमें गलत साबित नहीं कर सकते। ये टूटी हुई चूड़ियां गीतांजलि की चूड़ियों से मैच करते हैं मैनेजर साहब। और फिर जिस रजिस्टर में तुमने रूम नंबर 205 की एंट्री की और फिर वो पेजेस फाड़ दिए, लेकिन उसके नीचे के इम्प्रिंट्स अभी भी रह गए, ये तुम लोगों को पता नहीं था। और सबसे अहम बात मैनेजर साहब, मैं तो बताना ही भूल गया तुम्हें, ये तुम्हारे होटल के स्टाफ के कमरे से मिला है मुझे। सबूतों की कमी है या एक और सबूत दूं? तुम्हारे होटल की डंपिंग वैन जिसपे तुम दोनों की लाशों को गार्बेज पॉलिथीन में बांध कर लेके गए, जैसे उसपे कोई धूल ही नहीं। ऊपर से कूदने के बाद बॉडी पे ना कोई चोट ना कोई फ्रैक्चर। अब चुपचाप मुंह खोल दो वरना तुम्हारी हड्डियां बोलने शुरू कर देगी। मत मारिए मुझे सर, हमने उन दोनों को मारा है। ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। तो अब सच तो तुम्हारे मुंह से ही सुनूंगा मैं मैनेजर। सब बताता हूँ। हमने उन्हें रूम नंबर 205 में रुकवाया है क्योंकि वहां पर बल्ब सॉकेट में हमने बल्ब जैसा दिखने वाला कैमरा फिट किया। उस दिन तुमको वो बल्ब देख के कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? अरे तुम भी यार, मुझे देखने के बजाय इधर उधर ज्यादा देखती हो। कुछ नहीं है। अरे एक बार देखो तो सही, प्लीज चेक करो। देखा, ये जलता भी नहीं है, फिर इसको यहाँ ऐसे क्यों लगाया हुआ है? अरे कैमरा है इसमें, क्या बात कर रहे हो? बुला रही है, होटल वाले हमारा 2 दिन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इसका मतलब ये भी है कि इन्हें पता चल गया कि हमने राज जान लिया इनका। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अभी निकलना बहुत मुश्किल होगा, मैं पापा को फोन करता हूँ। मैं भी भैया को फोन करती हूँ। मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा तुम्हारी। मारने के बाद हम बहुत घबरा गए थे और उसके बाद जैसा जैसा मैनेजर साहब ने कहा हमने सिर्फ ऐसा ही किया था।
तब तक मदन और हरिप्रकाश के आने पर मैं जान चुका था कि दोनों घर वालों से भाग कर आए, इसलिए मैंने श्रीकांत और कनिष्क को बोलकर धोनी की लाशों को होटल से दूर सुनसान इलाके में फेंकवा दिया। मैनेजर साहब की वजह से हुआ है, हमने सिर्फ उनकी बात मानी थी, उन्हीं को शौक था होटल में रुके हुए लोगों को 205 नंबर में रुकवाकर गंदी वीडियो बनाकर पैसे कमाने का। पैसे कमाने के लिए बोल क्या चल रहा था ये सबके पीछे बोल। मैं नए कपल्स को 205 में रुकवा था, उनकी वीडियो बनाता और उन्हें ब्लैकमेल करता था, बहुत अच्छे पैसे मिलते थे मुझे उनसे। ऐसे कितने लोगों के साथ गंदा खेल खेला तूने? कम से कम 300 लोगों के साथ। अब कानून खेलेगा तुम लोगों के साथ खेल, जिंदगी भर जेल में सड़ोगे तुम लोग, सब सड़ोगे। कुणाल और गीतांजलि का प्यार तो सफल नहीं हो पाया, मगर उनकी वजह से एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हो गया। काश दोनों के घर वालों ने उनकी पसंद को मंजूरी दे दी होती तो उन्हें आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अक्सर हम दुनिया के बारे में इतना सोचने लगते हैं कि अपनों के साथ ही नाइंसाफी कर बैठते हैं। एक अच्छा जीवन साथी जन्म पत्री गोत्र या गुण मिलने से तय नहीं किया जाता, बल्कि एक दूसरे को समझ कर किया जाता है। गीतांजलि और कुणाल ने हिम्मत करके अपने घर वालों को तो बुला लिया था, लेकिन उन्होंने शायद ये नहीं सोचा था कि इस सिचुएशन में अगर पुलिस को इन्फॉर्म किया होता तो सही होता। दोस्तों, आज के समाज में जहां जुर्म बड़ी तेजी से फैल रहा है, हमें किसी भी होटल में स्टे करते वक्त सतर्क रहना चाहिए, किसी भी हालात में गलत जगह पर नहीं रुकना चाहिए और अपने कमरे को ध्यान से चेक कर लेना चाहिए। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगा मैं आपसे जुर्म और जज्बात के एक और नए एपिसोड के साथ। देखते रहिए।